हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिसंबर 2021 के एग्जाम्स को लेकर कि एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, डेट शीट कब आएगी और भी कई सारे पॉइंट हैं जो आप सभी के सवाल हैं, उन सभी के जवाब मिलने वाले हैं इस वीडियो में और ऑफिशियल अपडेट्स पर भी बात करेंगे ताकि आपको सभी पॉइंट क्लियर आउट हो जाए। बिकॉज बहुत सारे बच्चों के इससे रिलेटेड सवाल है कि एग्ज़ाम कब होंगे एंड डेट शीट कब आएगी, इसको लेकर स्पीड में क्लियर आउट करने वाला हूँ एक एक पॉइंट को। तो स्पीड को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लेना, साथ ही स्पीड को सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर आपको इग्नू से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो आइए स्टूडेंट बात करते हैं स्पीड में सभी पॉइंट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरली जो सेम क्वेश्चन मेरे सामने आया है दिसंबर 2021 के एग्ज़ाम्स को लेकर, वो ये था कि एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं। चाहे मैं इंस्टाग्राम की बात करूं, वहां पे भी आपने कई बार डीएम करके ये सवाल मेरे से पूछा है और साथ ही आप लोग के इंस्टाग्राम के अलावा हम बात करें कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट में भी जनरली सेम क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सर एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। तो एग्जामिनेशंस को लेकर क्या इस बार बदलाव देखने को मिलेंगे, डेट शीट में बात करें या फिर आपके एग्ज़ाम फॉर्म में बात करें या फिर एग्जामिनेशंस को लेकर ही बात करें, तो यहाँ पे क्लियर आउट करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम प्रीवियस वाले को एक बार देख लेते हैं जो कि आप सभी को पता होगा जून 2021 के टर्म एंड एग्ज़ाम, राइट, जो कि एग्ज़ाम 3 अगस्त 2021 से लेकर 9 सितंबर 2021 तक कंडक्ट किए गए, जिसमें फाइनल ईयर बैकलॉग और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, चाहे हम सर्टिफिकेट प्रोग्राम या डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें, उन सभी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए गए। वहाँ पे बैकलॉग के एग्ज़ाम हुए एक्सेप्ट देन CBCS प्रोग्राम। जितने भी CBCS के स्टूडेंट थे जो फरवरी में एग्ज़ाम देने के बाद में बैकलॉग आई थी, उनके एग्ज़ाम भी वहाँ पर कंडक्ट नहीं किए गए। अब उन सभी के एग्ज़ाम कब होंगे, दिसंबर 2021 के टर्म एंड एग्ज़ाम में। अब राइट, यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, बिकॉज एक सिनेरियो बना जो जून के एग्ज़ाम 15 जून से स्टार्ट होने वाले थे वो कहीं ना कहीं पोस्टपोन किए गए दिसंबर 2021 के लिए। अब वहाँ से सवाल खड़ा होता है कि इतने लेट एग्ज़ाम जब अगस्त में कंडक्ट हुए तो दिसंबर में एग्ज़ाम कब होंगे। सेम लास्ट ईयर जैसी सिचुएशन इस बार भी बनती नज़र आ रही है, और जैसा कि लास्ट ईयर देखने को मिला था कि दिसंबर के एग्ज़ाम जो कि फरवरी में कंडक्ट किए गए, बिकॉज ऑफ कि जून 2020 के जो एग्ज़ाम थे जो कि फाइनल ईयर के कंडक्ट किए गए थे वो भी सितंबर में कंडक्ट किए गए थे, वही रीज़न सेम, और जिस वजह से आपके दिसंबर वाले एग्ज़ाम अब मान के चला जा रहा है कि यार वो दिसंबर में पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मतलब कि ना के बराबर कह सकते हो। और एक लास्ट मोमेंट पे अगर इग्नू की ओर से कोई प्रस्ताव आता है या फिर कोई डेडलाइन देखने को मिलती है तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर में हो, बट बहुत कम चांसेस हैं दिसंबर में होने के, ठीक है। उसके अलावा बात करें किसके एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है टोटली इग्नू के ऊपर, बट मैं इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको क्लियर आउट करूंगा कि किसके एग्ज़ाम होंगे और वहां पे कुछ और पॉइंट जो मुझे इंक्लूड करने हैं उस वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं कि जो मेन टॉपिक हैं किस वजह से, एक्चुअली में मैं ये बात कह रहा हूं कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर में पॉसिबिलिटी बहुत कम है। देखिए, उसका रीज़न ये है, एक तो अभी जो फाइनल ईयर बैकलॉग के एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए हैं उसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में अपेयर किया है, लगभग 4.25 लाख स्टूडेंट ने वहाँ पर एग्ज़ाम दिए। तो इस आंकड़े को अगर आप देखें, अगर दिसंबर के एग्ज़ाम से कंपेयर करें तो वहाँ पे आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले, बिकॉज यहाँ पे इंटरमीडिएट के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मतलब कि आप समझिए 3 गुना 4 गुना आंकड़ा होने वाला है ये टोटली। तो इस वजह से आपके एग्ज़ाम वहाँ पे दिसंबर में पॉसिबिलिटी कम होगी, और हो सकता है डियर, यहाँ पे मैं एक संभावना बता रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम सभी के कंडक्ट ना किए जाएँ, इसको लेकर सेपरेटली हम बात कर लेंगे जिसमें एक एक पॉइंट क्लियर आउट करूँगा। फिलहाल आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि है आपकी डेट शीट। देखिए, डेट शीट को लेकर जो कि टेंटेटिव शेड्यूल है, अगर हम माने तो 15 अक्टूबर और फर्स्ट वीक में, वैसे जनरली फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाती है अपनी डेट शीट की टेंटेटिव शेड्यूल, लेकिन इस बार ना ही एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज हुआ है ना ही टेंटेटिव शेड्यूल आया। तो वेल, यहाँ पे सवाल आपके जो आ रहे हैं कि टेंटेटिव शेड्यूल या फिर डेट शीट कब आने वाली है, कुछ बच्चे तो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि हॉल टिकट कब आनी है, तो हॉल टिकट की संदर्भ में बता दूं, हॉल टिकट आपकी एग्ज़ाम से 1 वीक पहले आती है। अगर आपका ये सवाल है कि सर हॉल टिकट कब आ रही है, तो ये सवाल मत पूछो, ये अभी पूरी तरह बेकार है, ठीक है। जब आपके एग्ज़ाम होने वाले होंगे 1 वीक पहले ही आपकी हॉल टिकट जनरेट की जाती है इग्नू की ओर से। वेल, अब बात करते हैं डेट शीट कब आएगी फाइनली। देखिए, डेट शीट की जहाँ तक बात है, एग्ज़ाम फॉर्म और डेट शीट लगभग 1 वीक के अंतराल में आपके आ जाते हैं, और ये आपको अक्टूबर के लास्ट वीक में
या फिर थर्ड वीक में देखने को मिल जाएंगे, थर्ड एंड फोर्थ वीक में, ठीक है। इस टाइम पर आपको एग्ज़ाम फॉर्म और दूसरा टेंटेटिव शेड्यूल दिसंबर 2021 के टर्म एग्ज़ाम के लिए वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, इग्नू की ऑफिशियल साइट पर आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना, बाकी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कब होने वाली हैं। खैर, ये सारी पॉइंट थे जो मुझे इस वीडियो में क्लियर आउट करने थे। साथ ही एक और बड़ा सवाल जो आप सभी का रहता है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम, किस वे में इग्नू एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया जाएगा इस बार। देखिए, जहाँ तक बात है, अगर हम प्रीवियस सिनेरियो को देखें तो इग्नू का हमेशा से रहा है, जब कोविड की एकदम हाई पीक पे था, जैसे कि अगर हम बात करें अभी जो अगस्त में एग्ज़ाम हुए या फिर जो फरवरी में एग्ज़ाम हुए, तो वहाँ पर इग्नू ने हमेशा यही कहा है कि हम ऑफलाइन एग्ज़ाम ही प्रेफर करेंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम को उन्होंने एक तरह से पूरी तरह नकार दिया, ये कहना गलत नहीं होगा। बिकॉज अगर हम बात करें कि यार फरवरी में भी एग्ज़ाम ऑफलाइन हुए, अगस्त में भी एग्ज़ाम ऑफलाइन हुए, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे निकल के आया जब इग्नू ने कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम है उसके एग्ज़ाम ऑनलाइन कराने की बात कही, ठीक है। उसके एग्ज़ाम फॉर्म भी रिलीज़ हो चुके थे, वो आप लोगों ने ऑलरेडी फिल किए होंगे जिनका ऑनलाइन प्रोग्राम है, ठीक है, जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम वगैरह हैं उनके। तो वेल, अब यहाँ से हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में कोई बदलाव किए जाए ऑनलाइन हो सके, बट अभी के लिए पॉसिबिलिटी एकदम ना के बराबर है। और रीज़न आपके सामने है कि बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे, एक तो आपके सब्जेक्टिव पेपर हैं, तो वहाँ पर ऑनलाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं MCQ डालने पड़ेंगे, MCQ यानी कि टोटली पैटर्न चेंज। अब पैटर्न चेंज इजीली नहीं होते, टाइम लगता है, तो इस बार देखने की संभावना ना के बराबर है कि आपका मोड ऑफ एग्ज़ाम चेंज होगा। जहाँ तक संभावना है, दिसंबर 2021 के टर्म एग्ज़ाम भी ऑफलाइन ही कंडक्ट होंगे, बट डेट शीट में और डेट्स में फेरबदल देखने को ज़्यादा मिलने वाला है। बिकॉज दिसंबर में पॉसिबिलिटी, जैसे मोड ऑफ एग्ज़ाम में ऑनलाइन एग्ज़ाम की संभावना कम है, वैसे दिसंबर में होने की भी संभावना कम ही नज़र आ रही है। सो खैर, ये सारे पॉइंट थे इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कोई भी क्वायरी है तो कभी भी कॉल मी फोर ऐप के जरिए पूछ सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, ट्विटर फॉलो कर लो, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर भी अपने सवालों को पूछ सकते हैं, साथ ही लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी। और किसी भी प्रकार की PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।